राधे राधे, आज मैं बताऊंगी गरम मसाला बनाना। देखिए मैंने ये गरम मसाला मैं इस तरह बनाती हूँ अपने घर का, जिसे मैं सब्जियों में भी, छोले में भी, हर चीज में इस्तेमाल करती हूँ और अच्छा भी लगता है। ये हमने धनिया ले रखी है, धनिया मैंने 1 पाव मंगाई थी, और ये 50 ग्राम मैंने बड़ी इलायची मंगाई है, 50 ग्राम मैंने काली मिर्च मंगाई है, और 10 रुपए की मैंने लौंग मंगाई है, क्योंकि लौंग ज़्यादा हो जाती है तो भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं लगता। ये 100 ग्राम मैंने जीरा लिया है, और 10 रुपए की मैंने मेथी मंगाई थी। ये सामग्री है सारी, इसको हम भूनेंगे कढ़ाई में, फिर हम इसको पीसेंगे। देखिए इसे अब हम भूनेंगे। ये मैंने डाल दिया मेथी और जीरा, इसको हल्का ब्राउन करके फिर मैं ये धनिया बाकी चीजें डालूंगी। देखिए हल्का हो गया, खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम बाकी मसाले भी डाल देंगे, ये धनिया, ये लौंग, सारा कुछ जो हमने लिया था आपको दिखाया था, ये सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। देखिए इसका हल्का कलर आ रहा है, मसाला भूनने की खुशबू भी आ रही है अच्छी। इसको मगर हम थोड़ा सा और करेंगे, ये हमारा घर का मसाला बन जाता है। इसे डिब्बे में भर के हम रख देते हैं, और बढ़िया मिर्ची छोंकते हैं तब भी मैं सब चीज़ मिला के डाल देती हूँ। गरम मसाला हुआ, गरम मसाला तो ये है ही है, बाकी काला नमक वगैरह मिला के मैं डाल देती हूँ। और छोले हुए या कुलचे वाले छोले हुए, सब चीज में, और घर का बना मसाला होता है, खुशबू भी अच्छी आती है, बनता भी अच्छा है। आपने मेरे चैनल पे जो भी डिश देखी होगी, मिर्ची है या छोले हैं, उन सब में मैंने यही मसाला यूज किया, मैं बाहर का मसाला नहीं खरीदती हूँ। बाकी अदरक लहसुन ये सब डालती हूँ, हरी मिर्ची वगैरह, बाकी बाहर का मैं कोई पैकेट का कोई मसाला नहीं लेती हूँ, यही मसाला डालती हूँ। तो आप भी पीस के बना के रखिए, बढ़िया मसाला बनता है, इस्तेमाल करके देखिए। देखिए कलर धीरे धीरे इसका चेंज हो रहा है, धनिया वगैरह अच्छे से भुन जाएगी तो खुशबू अच्छी आ रही है मसाले की। सारी चीज अच्छे से भुनी रहती है, मसाला बढ़िया बन जाता है। देखिए मसाला हमारा भुन गया अच्छे से भुन गया हमारा मसाला। अब हम गैस बंद कर देंगे, गैस हमने बंद कर दी है। इसको थोड़ी देर चलाऊंगी नहीं, कढ़ाई में चिपक जाएगा, क्योंकि हमें कढ़ाई में ही रखना है, फिर मैं इससे ले लेके ठंडा हो जाएगा तब मैं पीसूंगी इसको मसाले को, क्योंकि गरम तो नहीं डाल सकते, गरम नहीं पीसते, तो इसलिए ठंडा हो जाएगा तब मैं पीसूंगी इसे। देखिए ये भुना हुआ मसाला है हमारा, इसको अब मैं पीसूंगी, इसमें डाल के 2 बार में पीस जाएगा ये।
अभी एक बार और चलाएंगे हम इसे, अभी दरदरा हुआ है। एक बार और चलाऊंगी मैं तो। ये देखिए मसाला हमारा पिस गया है, अच्छा बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें। ऐसे देखिए ये मसाला हमारा हो गया है बढ़िया तैयार, और आप भी घर में बना के देखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।